हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि टेनियस एजिनेटा डिफर्स फ्रॉम टेनियस सोलियम इन विच वेज। तो यहाँ पे उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि दोनों के बीच में कौन सा डिफरेंस सूटेबल रहेगा। सो इफ वी आर टू टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, देन दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू स्पीशीज ऑफ टेपवर्म, बिकॉज ये दोनों जो हैं दे आर स्पीशीज ऑफ टेप वर्म। नाउ अगर हम लोग सबसे पहले इन दोनों के डिफरेंसेस की बात करते हैं, सबसे पहले तो टेप वर्म की बात करते हैं। सो टेप वर्म जो है उसको हम लोग, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? टीनिया। नाउ ये जो है दिस बिलोंग्स फ्रॉम द फाइलम प्लैटीहेलमिंथस। सो ये जो है टीनिया सैटिनेटा एंड टीनिया सोलियम, दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज। सो हम लोग अगर इनके डिफरेंसेस की बात करें, सो लेट अस राइट यहाँ पे टेनिया सैजिनेटा, जिसका कॉमन नेम क्या है, देन वी कैन से कि टेनिया सैजिनेटा का कॉमन नेम है बीफ टेप फॉर्म, बोलते हैं इसको। वेर एज अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा, दैट इज टेनिया सोलियम, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पोल टेप फॉर्म बोलते हैं। ना अगर हम लोग इनके डिफरेंसेस की बात करते हैं, सो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो हम लोग उनके साइजेस को लेके बोल सकते हैं। दैट इज कि जो टीनिया सैजिनेटा होता है एडल्ट फॉर्म में, वो 5 मीटर के अराउंड होता है या उससे कम हो सकता है, बट इट कैन ग्रो अप टू 25 मीटर्स, मतलब 5 मीटर टू 25 मीटर के अराउंड हो सकता है। वेयर एज अगर हम लोग टीनिया सोलियम की बात करें उसकी साइज की, देन वो एडल्ट फॉर्म में 2 to 7 मीटर लॉन्ग ही हो सकता है। सो ये डिफरेंसेस हैं उनके बीच में। नाउ नेक्स्ट जो डिफरेंसेस की बात अगर हम करेंगे इन दोनों के बीच में फर्दर, दैट इज अगेन हम लोग यहाँ पे टेनिया सैजिनेटा है, दैट मीन्स हमारा जो लेफ्ट साइड है वो टेनिया सैजिनेटा है एंड राइट साइड टेनिया सोलियम है। सो अगर हम लोग फर्दर नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो रहेगा प्रोग्लॉटिड्स के बारे में, देन हम लोग बोल सकते हैं कि टेनिया सैजिनेटा एडल्ट फॉर्म में उसके अराउंड 1000 to 2000 प्रोग्लॉटिड्स प्रेजेंट रहते हैं। वेयर एज अगर टीनिया सोलियम की बात करें, सो उसमें अराउंड 1000 प्रोग्लॉटिड्स ही प्रेजेंट रहते हैं। सो अगेन हम लोग बोल सकते हैं कि टीनिया सैटिनेटा में ज़्यादा प्रोग्लॉटिड्स रहते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले स्कॉलिक्स हुक्स के बारे में। सो ये जो स्कॉलिक्स हुक्स है वो बेसिकली उनके हेड रीजन में प्रेजेंट रहता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि टेनिया सैजिनेटा में दे डू नॉट हैव हुक्स ऑन इट्स स्कॉलिक्स, उनके स्कॉलिक्स में हुक्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। जबकि हम लोग बोल सकते हैं कि टेनिया सोलियम में ये हुक्स प्रेजेंट रहता है इन देयर स्कॉलिक्स। सो दिस इज द मेन डिफरेंस जो हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज द रीजन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट इज ए, विच इज एब्सेंस ऑफ स्कॉलिक्स हुक। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।